नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हम इस वीडियो पे वार्ता कर रहे हैं जगतात्मा सूर्य नारायण की गोचरी स्थित को। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं। यहाँ पे सूर्यदेव और शनिदेव की युति होगी। शनिदेव कुछ दिन के लिए अस्त भी हो जाएंगे, तो सूर्य नारायण की जो गोचरी स्थिति है क्या परिणाम देगी, हम चर्चा कर रहे हैं। मान सम्मान सत्ता सिंहासन की राशि, जिन्हें ऑक्सीजन से भी ज़्यादा मान सम्मान प्रिय है, ऑक्सीजन से ज़्यादा आवश्यकता मान सम्मान की है, बड़प्पन है आपके अंदर, कूट कूट के भरा हुआ है। सिंह राशि, सिंह लगन के जातकों के लिए तो बड़प्पन है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हुए तो बढ़ो, तब तो बड़प्पन की बात है, वरना झूठी मूठी क्या बातें हैं। तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। सूर्यदेव जगत आत्मा है और आपके राशि के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं। अभी छठवें घर में चल रहे थे, थोड़ा सा सेहत थोड़ी सी कमज़ोर थी, ना चाहते हुए भी सेहत में संघर्ष आपको करना पड़ रहा था। तो यहाँ से अच्छा क्या होगा, सेहत अच्छी होने शुरू हो जाएगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, नो डाउट। एक चीज़ को याद रखिएगा, सूर्य शनि युति हो रही है, सूर्यदेव की और शनिदेव की जब युति हो ना, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में क्लेश होता है, थोड़े से पिता या पितृपक्ष से थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो झगड़ा नहीं करने का, ठीक है ना। क्योंकि आज आप कुछ बोल दीजिए जीवन साथी को, कल आप सवारी भी बोल दीजिए ना, दीवार में कील ठोकिए और कील निकाल लीजिए, कील निकाल लिया ना, लेकिन उसके सुराग बने रह जाते हैं। उसी तरह आपके जो शब्दवेदी बाण है ना, वो हृदय में चुभते हैं, सॉरी बोल देने के पश्चात भी निकलते नहीं। इसलिए वाणी को वाण ना बनने दें, वाणी को वीणा बना, इग्नोर करना शुरू करिए। जरूरी थोड़ी ना सबकी बात का जवाब देना, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे देखें तो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा मतलब धन का नक्षत्र है, धनिष्ठा मतलब समृद्धि का नक्षत्र है, पावर का नक्षत्र है। तो आप शक्तिशाली होंगे, शक्तिशाली होंगे मतलब अंदरूनी तरीके से मजबूती आएगी, आप बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में, मंगल आपके सुख के स्वामी हैं, तो सुख प्राप्ति का अवसर मिलेगा। भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य में बढ़ोतरी होगी, ठीक। इसके पश्चात ये शतविषा नक्षत्र में जाएंगे। शतविषा नक्षत्र में ही शनिदेव और सूर्य नारायण की मुलाकात हो रही है। देखिए ये पिता पुत्र हैं, दो तत्वों को लेके आपस में संघर्ष है। हम बोलते हैं ना सूर्य और शनि की पटरी नहीं खाती, क्यों नहीं खाएगी भाई। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिता को लगता है मेरे अनुसार अभी काम नहीं कर रहा है, पुत्र बड़ा होता है लगता है पिता को मेरे, मैं ज़्यादा समझदार हूँ। बस ये दो तत्व हैं, दो समय की धारा है, दो परिवर्तनों का समय है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें होंगी। देखिए आप भी सही हैं, आपका पुत्र भी सही है, आप सही हैं और आपके पिता भी सही है। जब हम छोटे होते हैं 15-20 साल तक तो लगता है पिता से बड़ा हीरो कोई नहीं है, 15-20 साल के बाद होने लगते हैं तो पिता दुश्मन लगने लगते हैं, 30 साल के बाद चलते हैं तो पिताजी अच्छे लगने लगते हैं, पिताजी की नीतियाँ ठीक लगती हैं, और 50 साल के बाद होते हैं पिताजी 101% ठीक लगते हैं। तो ये समय के परिवर्तन है मित्र, इस परिवर्तन को सहज ढंग से स्वीकार करके आगे बढ़िए, झगड़ा नहीं करने का, ठीक है ना, प्रेम से रहने का। परमात्मा आज का जो दिन दिया है ना, इसको इंजॉय करिए बिंदास ढंग से। कल पता नहीं क्या होगा, जिनसे आप झगड़ा कर रहे हैं वो होंगे कि नहीं होंगे, जिनसे आप बात बात पे, चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे आपके पिताजी हो, जिनसे आप बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं या आप तनाव बन रहा है, मत बनाइए। कल हो सकता है वही ना रहें तो किससे झगड़ा करोगे। इसलिए जब तक जीवन में रहिए प्रेम से रहिए। सत्विषा नक्षत्र सत्तार का नक्षत्र, 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेकर चलता है। यहाँ पे आपके अंदर क्षमता होगी बहुत चीज़ों को जान लेने की, बहुत चीज़ों को कर लेने की। शनिदेव यद्यपि अस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूर्ण अस्त नहीं होंगे। अभी मजे की बात है, देखिए आप हमारे घर में आ रहे हैं, आप माना कि आप जो है बड़े अधिकारी हैं, आप कमिश्नर हैं, आप IAS अधिकारी हैं या मंत्री हैं, मेरे घर में आ रहे हैं भाई, सिंपल सा फंडा गया, मेरे घर में आ रहे हैं तो मेरे अनुसार आपको कुछ चीज़ें स्वीकार करनी पड़ेगी। घर के बाहर आपके शैडो लगे हैं, बॉडीगार्ड लगे हैं, लेकिन घर के अंदर तो भाई मैं आपको चाय पिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, बैठाऊंगा, बातचीत करूंगा ना। तो अस्त होना और अस्त दिखना दोनों में फ़र्क है, तो अस्त दिख रहे हैं, ज़्यादा हो नहीं रहे हैं, फिर भी दाम्पत्य जीवन, व्यापार और पिता, इन तीनों पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सकारात्मक यदि आप वाणी को कंट्रोल करके रख सके तो सब कुछ राधे राधे है, वाणी को कंट्रोल नहीं कर सके तो भाई जो
दीपक जो है घर को प्रकाशित करता है, वो घर में आग लगा देता है, ठीक है ना। माचिस छोटी सी होती है तो आग लगाने का काम करती है। इसके बाद गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु के नक्षत्र में बेहतर फल देंगे, विद्या बुद्धि का स्वामी है, गुप्त तरीके से लाभ के स्वामी है, बेहतर हो गए। तो पहली चीज़ क्या है, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो रहा है, दूसरा व्यापार अच्छा हो रहा है, तीसरा जीवन साथी से संबंधों को बेहतर करेगा, सब कुछ राधे राधे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, तनाव कुछ नहीं है, अच्छा करेंगे आप। शनिदेव अस्त जरूर हो रहे हैं, अस्त होने में क्या होगा कि व्यापारिक गतिविधियों में थोड़ा सा रुकावट आएगी। जिनके साथ आप काम कर रहे हैं कृपया उनको देखें, कहीं वो चीटिंग ना कर जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य नारायण की आराधना के साथ साथ शनि के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ फल देगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। गुप्त नवरात्र चल रही है, आराधना उपासना आवश्यक है। जय माता की, जय जगदम्बा।